वेलकम दोस्तों, मैं एनिमेश स्कैन इंस्टीट्यूट से। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी तो काफ़ी हमने पढ़ ली है, क्वेश्चंस भी काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं हम, और सप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस को, ताकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ना तो हम फुली प्रिपेयर्ड हों। तो दोस्तों, ये कैसा क्वेश्चन है, पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग दिस। अब एग्ज़ाम में जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, देखो सिंपल तो आपको करने ही होते, सिंपल नहीं किया तो वैसे भी कॉम्पिटिशन के बाहर है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जिनको करके आपकी रैंक इंप्रूव होती है और कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, राइट। अब आपको ये डाउट होगा कि ये जो हम करने जा रहे हैं इसमें ये कैसे एकदम से सोच लिया। चलो मान लेते हैं एक बार में पहली बार नहीं सोचा, लेकिन करते करते आप हमारे साथ जुड़े रहोगे ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आपने, लगातार इन लेक्चर्स को अटेंड करोगे आप, छोटे बड़े लेक्चर्स को, तो आपको ये आदत बन जाएगी कि क्वेश्चन में क्या सोचना चाहिए। तो आपके सामने कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। ये देखो, सबका बेस अलग अलग है। अगर बेस सेम होता तो फिर हम कंपेयर कर सकते थे, या तो पावर सेम होती तो हम कंपेयर कर सकते थे। अब भैया बेस सेम करना तो हमारे बस में नहीं लग रहा, लेकिन क्या पावर सेम की जा सकती है, देखते हैं। पावर सेम की जा सकती है ना, पावर सेम कर सकते हम, पावर सेम करने की कोशिश करेंगे हम। तो 3 की पावर 50 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 होल की पावर 10। 3 की पावर 5 दोस्तों आपको याद होगा 243 होता है, याद होना चाहिए, नहीं तो फाइंड कर सकते हैं। 4 की पावर 40 को हम 4 की पावर 10 बोल सकते हैं, तो ये 256 की पावर 10 हो जाएगा। 5 की पावर 30 को हम 5 की पावर 3 की पावर 10 बोल सकते हैं, तो ये 125 की पावर 10 हो जाएगा। 6 की पावर 20 तो बहुत ही छोटा सा नंबर होगा, 6 स्क्वायर की पावर 10, तो 36 की पावर 10 हो जाएगा। कंपैरिजन करोगे दोस्तों तो आपको साफ साफ दिखता है ना कि चूंकि पावर सेम है सबकी, तो जिसका बेस सबसे ज्यादा है, जिसका बेस सबसे ज्यादा है वो जीत जाएगा ना, तो ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस हम बहुत रेगुलरली आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे।